अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शंकर, शंकर, शंकर उठिए, शंकर आके खोलिए, क्या हुआ आपको? शंकर, शंकर आके खोलिए, शंकर हमसे बात कीजिए, शंकर उठिए, शंकर, शंकर क्या हुआ? शंकर, सब तेरी वजह से हुआ है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता रहे, ये सब तूने किया है ना, इतनी सजा देंगे ना तुझे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या बदतमीजी है पारो, बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो तुम, जानती हो ना ये कौन है? मोहिनी जी तुम्हारी सास है। सास है लेकिन इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। बड़े सरकार, आपको तो सब पता है ना, आप सब जानते हैं। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। मगर बड़े सरकार नहीं जानते जो तस्वीर में हुआ, इन्हें कुछ याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है? अरे आज तो माँ की बरसी है, ये पारो कहाँ है? इससे पहले कि जीजी देखे, मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। जीजी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम सारे काम बर्बाद करती हो, सजा तो अच्छे से पूरी कर लो अपनी। जीजी बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने दीजिए, पेट में से भी आवाजें आ रही हैं। मीठी मीठी खीर। यहां नहीं तो वहां जाकर खा लेती हूँ। अब तो चिच्ची भी नहीं पहचान पाएंगी, खीर बनी है, खीर खाएंगे। पता है पारो, मैंने अपनी मां को बचपन में खो दिया था, उसकी कमी आज तक कभी पूरी नहीं हो पाई है, और याद करता हूं मैं उनको, खास करके ये दिन, काश उनके साथ और थोड़ा समय बिताऊं। शंकर, आप चिंता मत कीजिए, जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा, और पूरा समय भी। पता है पारो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां बनोगे, और आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। बच्चे, सपोले तो तब होंगे ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगे। ठीक है, बड़ी याद आ रही है दुर्गा की, कितने साल हो गए। अच्छा सुनो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सारे काम आंखें खोलकर और ध्यान से करना, इट्ठो भी गलती हुई ना तो पंडित जी खाल उधेड़ देंगे। मगर बुआ जी, आप पंडित जी से इतना क्यों डर रही हैं? अरे पारो, तुम पंडित जी को देखोगी ना, अपने आप जान जाओगी। पता है, बोलते कम है और डांटते ज्यादा है वो, और डंडे के साथ डंडनाते हुए आते हैं घर में।
मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। मैं ससुरा कौन चल रहा है ऐसे, जैसे इसकी बाप की सड़क हो। हट जा बुड्ढे, वरना ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। हट जा। अबे कौन है बे? सालों से इस घर में तीज त्योहार, पूजा पाठ और शादियां उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुई है। बड़े ज्ञानी है, जब शंकर छोटा था ना तो बहुत बीमार रहता था, नीला पड़ जाता था वो। नीला? हाँ, तब शंकर की अम्मा इन्हीं पंडित जी के पास गई थी मदद मांगने के लिए। इन्हीं पंडित जी ने ठीक किया था शंकरवा को। नीला पड़ना? हो सकता है शंकर की ताकत इतनी ज्यादा थी और वो एक छोटे से बच्चे थे, इस कारण उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। अगर ऐसी बात है भोलेनाथ, तो शायद ये पंडित जी शंकर का सच जानते हो। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? अबे बुड्ढा, अबे जान लेकर क्या बच्चे की? अबे 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 बुड्ढा पागल हो गया क्या? अरे बचाओ, अरे बुड्ढा सठिया गया, अरे बुड्ढा सठिया गया, मार देगा हमें, अरे बचाओ। तेरी तेरी लगता है पंडित जी आ गए। चलो 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 चलो। हेलो निरंजन, अम्मा ये यही पंडित है वो। प्रणाम, पधारिए। एक मिनट। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।